बेबी क्वीन, आज का दिन कितना सुहाना है ना। क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो? तुम है ना बहुत मोटी हो। चलिए अपना पैर हटाइए, कोई देख लेगा। अरे मेरे पैर में क्यों? तुमने मेरी आंसू क्यों फेंक दी? क्योंकि क्योंकि बेबी क्वीन, इस समय यही हमारी ताकत है। जेसी जी, वो सब मां माया के कमरे में जा रहा है। हाँ बेबी क्वीन, हमें मां माया को जाके सूचित करना चाहिए। ओ मामा, अब कौन मर गया, क्यों चीख रहे हो? मर नहीं रहा, कोई और मरने वाला है। मामा, मुझे तो ये कोई मायावी सांप लग रहा है। हाँ, इसने इस हवेली के सारे रक्षा कवच तोड़ दिए। अरे और तो इस पर तो कोई आइसक्रीम का भी बस नहीं चला। ये मायावी नहीं, संदेशा देने वाला सांप है। बताओ क्या खबर लाए और किसकी खबर लाए? भुजंग, भुजंग की खबर लाए? चौंको मत महामाया, मैं ही नागराज भुजंग। मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत को भांपा है और उसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने साथ नागमंडल के किसी भी सैनिक को नहीं लाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे मिलने निहत्ते ही आना होगा। उम्मीद है तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। नागराज भुजंग ने हमें संदेशा भेजा है। वाह, अभी तो जंग छेड़ी नहीं और उसने हथियार भी फेंक दिए। लगता है उसके जो जासूस है उन्होंने उसे बता दिया है कि उसे मारने वाला खंजर यानी कि फिंजर हमारे पास है। इसलिए नागराज भुजंग बन गया है चूहा। पर महामाया, अगर उसका कुछ और इरादा हुआ तो? नागराज भुजंग का और कोई इरादा हो ही नहीं सकता। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको मारने वाला खंजर यानी कि फिंजर हमारे हाथ में है।